नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत जो IPC और एविडेंस में अमेंडमेंट्स किया गया है उस पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, यह अधिनियम 11 अगस्त 2018 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अधिनियमित अधिनियम बन गया, एक्ट बन गया और यह 21 अप्रैल 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा, जैसा कि धारा 1 में कहा गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे क्या है। तो अध्याय 1 में दोस्तों धारा 1 के अंतर्गत संक्षिप्त नाम और प्रारंभ है, जिसमें सेक्शन 1 क्लाज 1 के अंतर्गत कहा गया कि इसका नाम दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 होगा। और सेक्शन 1 सब क्लाज 2 के अंतर्गत कहा गया कि यह 21 अप्रैल 2018 से लागू होगा। अध्याय 2 में क्या है। अध्याय 2 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता में जो संशोधन किया गया वह अध्याय 2 के अंतर्गत रखा गया है। धारा 2 में क्या कहा जा रहा है। धारा 2 में कहा जा रहा है कि धारा 166 का संशोधन। पहले हम आपको बता दें धारा 166 का में क्या है। धारा 166 का कहता है कि लोक सेवक जो विधि के अधीन के निर्देश के अवज्ञा करता है, अगर कोई लोक सेवक है जो विधि के अधीन अगर कोई निर्देश दिया जाता है उसकी अवज्ञा करता है। इसमें धारा 166 के खंड ग में अमेंडमेंट्स किया गया, जो कि धारा 376 ख, 376 ग, 376 घ शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर धारा 376 क ख, 376 ख, 376 ग, 376 घ, 376 घ क और 376 घ ख शब्द, अंक, अक्षर रख दिए गए। पहले क्या था, पहले 376 क था, ख था, ग था, घ था और शब्दों, अंकों, अक्षरों थे, लेकिन अब उसके स्थान पर क्या हुआ, क ख, ख, ग, घ, घ क, घ ख शब्द, अंक, अक्षर रख दिए गए। इसी से लेकर पूरा अमेंडमेंट हुआ है, 376 से ही पूरा अमेंडमेंट हुआ है जो IPC, CRPC और एविडेंस में किया गया है। धारा 3 के अंतर्गत क्या है। धारा 3 के अंतर्गत धारा 228 का में संशोधन किया गया। धारा 228 क्या कहता है। धारा 228 यही कहता है कि कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण, यानी प्रकटीकरण करने पर रोक लगाती है धारा 228 का। तो 228 का की धारा उपधारा 1 में जो अमेंडमेंट्स किया गया, इसमें भी धारा 376 क ख ग घ शब्दों, अंकों, अक्षरों के स्थान, पहले ये सेंटेंस था, अभी इसके स्थान पर जो है 376 क, 376 क ख, 376 ख, 376 ग, 376 घ, 376 घ क, 376 घ ख शब्द, अंक और अक्षर रख दिए गए। पहले क्या था, पहले शब्दों अंकों अक्षरों था, क ख ग घ केवल था, लेकिन अब शब्द, अंक, अक्षर रख दिए गए और संशोधन करके 376 में 3 नई धाराएं बढ़ा दी गई। 376 क ख अलग से बढ़ा दिया गया और 376 घ क और 376 घ ख इसको अलग से बढ़ा दिया गया। इसी को लेकर पूरा अमेंडमेंट्स जो है किया गया। और धारा 4 के अंतर्गत धारा 376 का अमेंडमेंट्स किया गया। धारा 376 जो कि बलात्संग के दंड से संबंधित है, तो 376 उपधारा 1 में जो अमेंडमेंट्स किया गया, इसमें कहा गया कि जिसकी अवधि, पहले क्या था, पहले यह था कि जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, पहले यह सेंटेंस था, अब संशोधन करके इसके स्थान पर यह कर दिया गया कि जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, पहले 7 वर्ष से कम की नहीं होगी लेकिन अब 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माना शब्द भी रख दिया गया, इसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और 376 की धारा उपधारा 2 का जो खंड झ था इसका लोप कर दिया गया, इसे हटा दिया गया। और 376 की धारा 2 के पश्चात एक नई उपधारा 3 को अंतर स्थापित कर दिया गया। धारा 376 को उपधारा 3 में क्या प्रावधानित किया गया, इसमें कहा गया कि जो कोई 16 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री के साथ अगर बलात्संग करता है तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकती है का प्रावधान किया गया धारा 376 सब क्लास 3 के अंतर्गत। और जो 5वीं धारा के अंतर्गत एक नई धारा 376 क ख का अंतर स्थापन किया गया। पहले 376 क ख नहीं था, इसे 2018 के धारा 5 के द्वारा 376 क ख रखा गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से अगर कोई बलात्संग करता है
तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान होगा कठिन कारावास से होगा, न कि सादा कारावास से, वह कठिन कारावास से होगा और उसकी अवधि जो है ड्यूरेशन वह 20 वर्ष से कम की नहीं होगी और जो आजीवन कारावास तक हो सकता है। और इसमें मृत्युदंड तक का भी प्रावधान कर दिया गया, उसे मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। धारा 6 के अंतर्गत भी नई धारा का प्रवेश किया गया, अंतर स्थापित की गई, नई धारा 376 घ क और 376 घ ख का अंतर स्थापन किया गया। तो देखते हैं 376 घ क में क्या रखा गया। 376 घ क में कहा गया कि अगर कोई 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्संग करता है तो उसके लिए आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान किया गया। अब देखते हैं 376 घ ख के अंतर्गत क्या रखा गया प्रावधान। 376 घ के ख के अंतर्गत प्रावधान रखा गया कि अगर कोई 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री है, अगर उससे कोई सामूहिक बलात्संग करता है तो इसके लिए आजीवन कारावास और जुर्माना या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। ये प्रावधान 376 घ क 376 घ ख में संशोधन के द्वारा रखे गए। अब धारा 7 के अंतर्गत 376 अंग में संशोधन किया गया। 376 अंग ये कहता है कि पुनरावृत्ति करता अपराधियों के लिए दंड। तो इसमें क्या किया गया संशोधन, हम ये देखते हैं। 376 अंग में पहले क्या था, पहले 376 घ शब्द अंक और अक्षर रखे गए थे, लेकिन संशोधन के द्वारा 376 क ख कर दिया गया, 376 घ क कर दिया गया और 376 घ ख कर दिया गया। और उसके बाद जहाँ यहाँ शब्द अंक अक्षर रखे गए थे, यहाँ भी वही शब्द अंक अक्षर रख दिए गए। और अध्याय 3 की अगर हम बात करें तो अध्याय 3 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में जो संशोधन किया गया वो अध्याय 3 के अंतर्गत किया गया है। तो देखते हैं धारा 3-8 क्या कहती है। धारा 8 कह रही है कि धारा 53 क का संशोधन। पहले हम देखें 53 क में क्या प्रावधान किया गया है। धारा 53 क कहता है कि कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना। तो इसमें धारा 53 क में जो अमेंडमेंट्स किया गया, पहले क्या था 376 क ख ग घ शब्दों अंकों अक्षरों रखे गए थे पहले, लेकिन अब 376 क 376 क ख ख ग घ 376 घ क 376 घ ख शब्द अंक और अक्षर रख दिए गए, ये संशोधन किया गया। और धारा 9 के अंतर्गत जो अमेंडमेंट्स किया गया वह धारा 146 में किया गया। 146 कह रहा है कि प्रति परीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न होगा। तो 146 के परंतुक में जो अमेंडमेंट्स किया गया उसको हम प्रस्तुत करते हैं। धारा 376 क ख ग घ शब्दों अंकों अक्षरों, पहले यह सेंटेंस था यानी क ख ग घ शब्दों अंकों अक्षरों था, संशोधन करके इसे 376 क 376 क ख 376 ख 376 ग 376 घ 376 घ क 376 घ ख शब्द अंक और अक्षर रख दिए गए। दोस्तों ये आईपीसी और एविडेंस में जो संशोधन किया गया उसको हमने आपको बताया। अब सीआरपीसी में जो संशोधन किया गया है धाराओं में उसको हम अगली वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं, हम सभी का कमेंट्स देखते रहेंगे। अगर कोई सुझाव हो दोस्तों तो उसको भी दीजिएगा। दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा जो वीडियो बनेगा वो आप तक तुरंत जल्दी से पहुंच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।